हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कौशल गर्ग। आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी ज्ञान टेक वन में। आज मैं आपके लिए एक और एक्सपेरिमेंट लेके आया हूं स्नैप सर्किट्स का। ये देखिए, 100 प्रोजेक्ट वाला जूनियर SC 100 मॉडल है स्नैप सर्किट्स जूनियर। मैं आज आपके लिए प्रोजेक्ट नंबर 68 बनाऊंगा, स्पेस वॉर म्यूज़िक कॉम्बो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारा बोर्ड है। इसके लिए ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको तो आप पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये पोजीशनिंग करने के काम आता है सारे यूनिट्स को। और इसके लिए हमें चाहिएगा U3 म्यूज़िक स्पेस वार म्यूज़िक यूनिट, U1 म्यूज़िक यूनिट स्पीकर, L1 यानी ये वाला लैम्प चाहिएगा, U3 म्यूज़िक स्पीकर, U1 स्पीकर चाहिएगा। ये स्पीकर है, देखिए स्पीकर है, 4 जॉइंट्स वाला 1 यूनिट चाहिएगा, यानी 1 वायर 4 जॉइंट्स वाला, 5 जॉइंट्स वाला 1 वायर यानी 1 यूनिट। ये देखिए, इसके नीचे 4 है, 2 ऊपर लगे हुए हैं। 2-2 जॉइंट्स वाला चाहिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टू जॉइंट्स वाले चाहिए। ये देखिए, 5 ले लेते हैं पहले। पहले हम एक साथ इकट्ठा कर लेंगे सामान, जिससे कि बाद में बार बार ना लेने पड़े। बैटरी वाला यूनिट ले लेंगे, बैटरी डालने वाला। इसके बाद हमें लेना होगा दोनों तरह के स्विच, स्लाइड स्विच और प्रेस स्विच। ये देखिए, ये है प्रेस स्विच और ये है स्लाइड स्विच ऑन ऑफ। और चाहिएगा RP फोटो रजिस्टर। ये है फोटो रजिस्टर जिसको RP नाम दिया गया है, ये चाहिएगा हमें। और 2 वायर्स रेड एंड ब्लैक। और चाहिएंगे 2 सेल ड्यूरासेल जो ज़्यादा ड्यूरेबल हैं, काफ़ी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। आप ये यूज़ करें अगर आप बनाना चाहते हैं तो, ड्यूरासेल यूज़ करें। 3 जॉइंट्स वाला 1 यूनिट ले लिया है, बस हमें यही चाहिए। और 1 जॉइंट वाला 1 यूनिट, बस हमें यही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, हमें बैटरी वाला यूनिट ABC पे लगाना है, 9th और 10th लाइन पे। तो ऐसे लगा देंगे हम, ये देखिए ऐसे लग जाएगा, ये लग चुका है 9th और 10th लाइन पे ABC के बीच में। ये ABCDEFG तक है वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद हम जॉइंट करेंगे 5th यूनिट। ये देखिए, 5 जॉइंट वाला हम इसमें लगा देंगे ई लाइन पे, ABCDE इस लाइन पे हम लगा देंगे ऐसे। ये देखिए, ये लगा दिया है हमने। इसके बाद स्लाइड स्विच लगाएंगे, स्लाइड स्विच भी लगा दिया है। ये देखिए, ऐसे लगा देंगे हम, ये फिक्स हो जाता है अच्छे से, हिले डुलेगा नहीं। इसके बाद मैं पहले लूँगा, आप कुछ भी ले सकते हैं पहले। मैं पहले लगा रहा हूँ U3 म्यूज़िक सिस्टम B और C पे 6, 7, 8 लाइन के बीच में। B और C 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे लगेगा ये म्यूज़िक सिस्टम। इसके बाद S2 यानी स्लाइड स्विच लगेगा, तो लगा देते हैं स्लाइड स्विच। ये देखिए, स्लाइड स्विच भी लगा दिया है, सॉरी प्रेस स्विच भी लगा दिया है।
इसके बाद लगेगा थ्री जॉइंट्स वाला वन यूनिट, यहाँ पे लगेगा सेवन्थ लाइन पे। ये देखिए सेवन्थ लाइन है, लग चुका है। इसके बाद फोटो रेजिस्टर लगाना होगा सिक्स लाइन पे, यू थ्री और फिफ्थ जॉइंट के यहाँ पे। ये देखिए लगा लिया है हमने, ये देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ये देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा सर्किट। इसके बाद हम टू और फोर, पहले हम फोर जॉइंट्स का काम करते हैं। देखिए फाइव के पास ही में फोर जॉइंट्स वाला लगाना है, तो चलिए लगाते हैं। पहले खोल लेते हैं हम, ये देखिए ऐसे लगे गए। इसके बाद टू जॉइंट्स वाला वन यूनिट इनको जोड़ने के लिए, और इसके बाद एक थ्री जॉइंट्स वाला वन यूनिट और ले लेंगे हम, हमें एक और चाहिएगा। यू वन पहले लगा देते हैं, यू वन स्पीकर सिस्टम। ये देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में बी और सी अलोंग विद बी और सी, ये देखिए लग चुका है। अब इसको फर्स्ट लाइन में फोर्थ जॉइंट और यू वन म्यूजिक सिस्टम से कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए कनेक्ट भी कर दिया है। इसके बाद हम इसे कनेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद लगाएंगे हम स्पीकर। ये देखिए हमें लगाना है फोर्थ लाइन पे बी सी डी पे, ये ऐसे लगेगा, लग चुका है। इसके बाद लगाना होगा हमें, सॉरी पहले थ्री यूनिट्स वाला वन जॉइंट लगेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लगेगा। इसके बाद इसको जोड़ने के लिए टू जॉइंट्स वाला लगेगा वन यूनिट। इसके बाद हम लगाएंगे टू टू चार, हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी टू जॉइंट्स वालों की। ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। पहले हमें ये ऐसे जोड़ना होगा, इसके बाद स्पीकर, इसके बाद ये कॉम्प्लिकेटेड फोटो दे रखी है, इसको देखना पड़ेगा अच्छी तरह। अच्छा तो ऐसे लगेगा, ये देखिए पहले हम ऐसे लगा देते हैं, इसके बाद ऐसे लगेगा। ये टू जॉइंट्स वाला उल्टा लग चुका है, ये देखिए। अब इसके बाद स्पीकर लगेगा। अब वापस यहाँ पे टू, यहाँ पे लैंप लगेगा, इस पे यहाँ पे वन जॉइंट वाला ये लगेगा वन यूनिट। अब ये टू से कनेक्ट होगा। इसके बाद हमें इससे कनेक्ट करना है इसको, देखिए ऐसे। इसके बाद हमें एक और टू जॉइंट्स वाला वन यूनिट चाहिएगा। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोजेक्ट है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए ये लग चुका है। इसके बाद चाहिएगा हमें ब्लैक वायर, जो यहाँ से कनेक्ट होके इस बैटरी वाले पॉजिटिव टर्मिनल पे लगेगा। इसके बाद रेड वायर U3 म्यूजिक सिस्टम पे इस वाले पॉइंट पे लग के, देखिए यहाँ के पॉइंट पे जाएगा इस वाले पॉइंट पे, तो ये हमने लगा दिया है। अब देखिए
हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका है, मैं चला के दिखाऊंगा आपको। पहले देख लीजिए, बिल्कुल जैसा फ़ोटो में दिखाया गया है वैसा ही बना है। बस अब बैटरी लगाते हैं और फिर देखते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, कैसा चलता है। ये बैटरी भी लगा दी है, अब ऑन करके देखते हैं हम। डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ भी सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो। ये देखिए, आवाज़ सुन सकते होंगे आप। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, ये ऑन करते हुए हैप्पी बर्थडे टू यू की साउंड निकल रही थी, साथ में ही स्पेस वॉर की भी आवाज़ निकल रही थी, और इस प्रेस स्विच को दबाते ही गोलियां चलने की आवाज़ निकल रही थी। ये देखिए, फिर से चला के दिखाता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। इसमें अगर मैं ये बटन दबाऊँगा तो गोलियों की भी आवाज़ सुनाई देगी आपको। साथ ही साथ ये रॉकेट चलने की आवाज़। एक और जानकारी फ्रेंड्स, देखिए इस फोटो रजिस्टर का काम था, अगर हम इसको ऑन कर देते हैं, देखिए अगर मैं इस पर उंगली रख देता हूँ, देखिए इसमें लाइट नहीं जा रही है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, तो एक्स्ट्रा आवाज़ें हमें नहीं सुनने को मिलेंगी, ओनली हैप्पी बर्थडे टू यू सुनने को मिलेगा। ये सुनिए, अब मैं उंगली हटा दूंगा, देखिएगा। तो ये देखिए, हमें बहुत सारी आवाज़ सुनने को मिली। अब एक और आप चीज़ देखिएगा, अगर मैं इस पे उंगली भी लगा दूंगा और वापस ये प्रेस स्विच दबाऊंगा, तो हमें वही आवाज़ सुनने को मिलेंगी स्विच के कारण, देखिएगा। उंगली हटाते ही ये सब नॉर्मल हो जाएगा, सारी आवाज़ें एक साथ सुनाई देंगी। ये देखिए, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ उसके पास बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।